महिला आरक्षण को लेकर तो शुरुआती दौर से ही हम लोग जो है इसके पक्षधर रहे हैं, पुरजोर और इसकी जो है पैरवी हम लोगों ने करने का काम किया है। और महिला आरक्षण की जहाँ तक बात है, हम लोग तो पहले से ही हम लोगों की पुरानी मांग रही है कि आरक्षण में भी आरक्षण हो। हम चाहते हैं कि हर एक सेक्शन की महिला जो है उसमें जो है इसकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे हर समाज की महिला जो है इसमें उनके लिए आरक्षित जो है सीटें वो होनी चाहिए। ख़ासतौर पे SC ST का है, उसी तर्ज पर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक महिलाएं हों, इन सबों का भी जो है आरक्षण जो है उसमें होना चाहिए। और ये अभी से नहीं बल्कि बहुत दिनों से हम लोगों की मांग भी रही है। और हम तो इतना पक्षधर हैं कि भाई 33% आप लोगों ने जो आरक्षण किया है 33 को बढ़ा करके 50% भी कीजिए, 50% कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग पक्के हिसाब से हम लोग इस बिल को जो है समर्थन करेंगे। लेकिन खास बात ये होनी चाहिए कि उनमें पिछड़ा महिला, अति पिछड़ा महिला और अल्पसंख्यक महिलाओं की भी आरक्षण जो है सुनिश्चित ये सरकार जो है उसको कराने का काम करना चाहिए। और ये तो एक तरह से लग रहा है कि ये अभी इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, पास भले ही आज हो जाए लेकिन इम्प्लीमेंट आज नहीं होना, कब होगा किसी को नहीं पता। तो सेंसेस होगा तब होगा, ये जो बातें कही जा रही है सेंसेस होगा, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद जो है महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है महिलाओं को जो है इसका लाभ जो है मिलना चाहिए।